हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं फ्रेंच बीन की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हाय एवरीवन, मैं हूँ तनुजा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रेजी फॉर्चून। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं। इसके लिए 4 हरी मिर्च ले ली हैं, 1 प्याज को हमने छोटा छोटा काट लेंगे। इन सबको काट के और जो है उसके बाद में हम इसमें 4-5 कलियां लहसुन की डालेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इधर फ्रेंच बीन्स को हमने क्या किया है कि छोटा छोटा चाकू से इधर उधर से काट के और इसको अच्छे से छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। तो अब इसको धो लेंगे और धोने के बाद इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ध्यान रहे कि फ्रेंच बीन्स को जब हमने काटा था उससे पहले भी एक बार धोई थी और एक बार हम इसको बाद में धो रहे हैं। तो मसाला हमारा तैयार है, फ्रेंच बीन भी कट के धुल गई हैं। तो आइए हम बनाने के लिए चलते हैं। तो गैस को ऑन करके हमने एक पैन रख लिया है और इसमें आज हम सरसों के तेल में इस रेसिपी को बनाएंगे। सरसों के तेल में ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर मैंने सरसों का थोड़ा सा ऑयल इसमें लगा लिया है। ऑयल गरम होता है तब तक हम अपने मसाले इकट्ठे करते हैं। तो मसाले हमने इकट्ठे कर लिए हैं और ऑयल भी गरम हो गया है। तो चलिए एक एक करके मसालों को अब इसमें हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा डालने के बाद जो हमने एक पेस्ट जो अभी तैयार किया था उस पेस्ट को हम डाल देंगे। इसमें लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च है, इसको अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। और उसके बाद हम इसमें कुछ और मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और अब हम इसमें फ्रेंच बीन डाल देंगे। तो डाल के फ्रेंच बीन्स को अच्छे से चला दीजिए। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार ही डालें। तो यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और नमक सब में अच्छे से मिक्स हो जाए इसके लिए हम एक बार और चला देंगे। और अब हम उसमें 1 कप पानी डाल देंगे और इसको ढक के लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये 5 मिनट हो गए हैं तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो एक बार हमने इनको चला दिया है, ये अभी गली नहीं है और पानी भी है इसमें। तो हम दोबारा चेक करते हैं 2 मिनट के बाद। तो इसी तरह 2-3 बार, ये अभी भी नहीं गली हैं। इसी तरह से हम 2-3 बार इसको बार बार उघाड़ के चलाते रहेंगे, क्योंकि ये ढक के थोड़े थोड़े समय पे चेक जरूर करना है कि पानी है कि सूख गया है। अब देखिए इनका पानी बिल्कुल सूख गया है और अब ये बिल्कुल बन चुकी हैं और बनने के लिए तैयार हैं। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, इसको इसमें मिक्स किया है और अब इसको अच्छे से चला देंगे, जिससे मसाले सारे सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और लास्ट में अब हम इसमें धनिया पत्ती से सजाएंगे इसे, क्योंकि धनिया पत्ती का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए ये हरी भरी सब्जी है, इसको लास्ट में धनिया पत्ती से ज़रूर सजाएं।
इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। और ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है, तो चलिए हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये गर्मा गर्म सब्जी हमने बाउल में निकाल ली है, तो आप भी इसको घर पर ट्राई करें। ये हरी भरी सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही पौष्टिक है। तो आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरे अनुसार बनाई गई सब्जी कैसी लगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई है, कितना बढ़िया इसका कलर आया है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है। और ये सर्व करने को तैयार है। हाँ, तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।